स्वागत है दोस्तों आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU पाठशाला पर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमें एक न्यू फॉर्म ऑफ सोवरेन गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। तो उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ कर लें या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ कर लें। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अडॉप्टेड द पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उस पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, द फर्स्ट इज़ रियल एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड इज़ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि रियल एग्जीक्यूटिव हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारा राष्ट्रपति होता है। तो उसी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा कि ही इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति हमारा जो होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, और पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में स्टेट सिर्फ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं स्टेट, वो स्टेट नहीं होता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब हमारा इंडिया है। तो ही इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट, और आई होप कि आप लोग हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट में डिफरेंस समझते हो, क्योंकि द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ प्रेसिडेंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉमन सी बात है कि किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का पहला नागरिक माना जाता है, तो सेम इंडिया में भी यही केस है। द थर्ड पॉइंट इज आर्टिकल 52-78 इन पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 में हमारे संविधान के अंदर क्या डील करता है, एक प्रेसिडेंट के पावर्स के, उसके टेन्योर, उसके अपॉइंटमेंट, उसके इम्पीचमेंट, इन सब चीज़ों से डील करता है। एंड एज यू कैन सी रामनाथ कोविंद जी इज़ अवर करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड आई होप यू मस्ट नो दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि राष्ट्रपति क्यों ज़रूरी है हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए। अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कि द प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल बट बाई द मेम्बर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो ये कह क्या रहा है कि राष्ट्रपति जो हमारा होता है उसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि जनता के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा होता है, और उसके चुनाव को कंडक्ट करने के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। तो हमको तीनों देखने हैं एक एक करके। तो पहला हमारा है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा यानी लोअर हाउस और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के 6 राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे स्टेट्स के सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। द थर्ड इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमको ये देखने के बाद मिला क्या कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो स्टेट एग्जीक्यूटिव असेंबलीज या स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हों, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड ऑफ 2 यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो दोस्तों ये कुछ फार्मूलाज हैं जो काम आते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो अगर हम एक MLA की वोट की वैल्यू निकालें तो क्या आती है, देखिए कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/100। यानी कि अगर आपको एक MLA की वोट की वैल्यू निकालनी है तो आपको उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना है किस चीज़ से, जितने भी MLAs चुनकर आए हैं उस स्टेट से, और उसको जितना आपको वैल्यू आए उसको 1/100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो वैल्यू आएगी वो एक MLA की वोट की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम एक MP की वोट की वैल्यू निकालें तो जितने भी MLA चुनकर आए हैं उनको हम डिवाइड कर दें जितने भी MPs चुनकर आए हैं उससे, तो क्या निकलेगा, एक MP की वोट की वैल्यू निकलेगी। बस तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर तो हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया लेकिन नीचे सिर्फ MLAs की वोट की वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि MLAs की वोट की वैल्यू निकालने के लिए हमने पॉपुलेशन को पहले ही डिवाइड कर दिया है। अगर आप दोबारा ऐसा करते हैं तो ये हमारी गिनती डबल हो जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी वह बिल्कुल गलत आ जाएगी। इसीलिए हम सीधे MLAs की वोट की वैल्यू को काउंट करते हैं इन द काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑन एन MP। ये आई होप समझ गए होंगे आप लोग।
तो थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोरल कोटा एक बनाया जाता है, जो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइड किए जाते हैं 2+1+1 से। तो ये जो भी इसका डाटा निकल कर आता है, इसमें जो आगे होता है वो हमारा देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। मानिए कि इस इलेक्शन प्रोसेस में कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो उसका निस्तारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसका निस्तारण करेगा, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो बिल्कुल सर्वप्रिय होगा। ये सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसका निस्तारण कौन करता है? तो उसका निस्तारण हमारा माननीय उच्च न्यायालय करता है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक राष्ट्रपति होने के लिए क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस क्या होती हैं, देख लेते हैं। चलिए कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहली क्राइटेरिया तो यही है कि वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है इन द कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उसके कम से कम आयु जो होगी वो 35 साल तक होनी चाहिए, अगर वो उससे कम का है तो वो एलिजिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट इज ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो हम जानते हैं जो भी क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए होती हैं वो भी सारी राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ऐसा प्रॉफिट होता है, कोई ऐसा ऑफिस होता है जहाँ से आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है या प्राइवेट ऑफिस हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करते हैं जहाँ से आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हों तो आप एलिजिबल नहीं है इन द कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप चुन लिए जाते हैं तो आपको वो ऑफिस जो होता है वैकेंट करना होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो अगर एक राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वो नहीं किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होगा, नहीं किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन एक बात और है कि वो एक पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। वो एक कंपोनेंट तो है हमारे पार्लियामेंट का, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउंस इज प्रोवाइडेड, तो ये भी है कि अगर कोई राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसको कुछ अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि उसको कुछ इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। अगर उसके कार्यकाल में कोई उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज चलवाना चाहता है किसी कोर्ट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, जब तक वो ऑफिस में है तब तक उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं चल सकता। तो हमने क्वालिफिकेशंस देख ली, और अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि अगर कोई इंसान राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो, लेकिन अगर उसने संविधान की अवहेलना कर दी, ही वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका इम्पीचमेंट कैसे करेंगे हम, उसके ऊपर महाभियोग कैसे चलाएंगे, तो हमको देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, कि हिंदुस्तान में एक राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? वो 5 साल का कार्यकाल होता है आमतौर पर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ही कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हमारे हिंदुस्तान में एक इंसान राष्ट्रपति कितने भी बार चुना जा सकता है, ऐसा नहीं कि अगर कोई इंसान एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया तो दोबारा वो राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। अगर अगला इलेक्टोरल कॉलेज जो बनेगा उसको लगता है कि हाँ जो हमारा पिछला राष्ट्रपति था वो योग्य है दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज उसको चुन सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही कैन गिव रिजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट एनी टाइम, कि राष्ट्रपति अगर अपना रिजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा? वो हमारा उपराष्ट्रपति को देगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट को देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग सिर्फ एक कारण की वजह से चल सकता है कि अगर उसने संविधान की अवहेलना की हो, क्योंकि राष्ट्रपति का मेन काम क्या होता है कि संविधान की रक्षा करना, लेकिन वही रक्षक अगर संविधान का भक्षक बन जाता है तो उसके ऊपर महाभियोग चला दिया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि इफ़ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन देन द इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर इम्पीचमेंट को इनिशिएट करना है तो वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है, ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर इम्पीचमेंट मेजॉरिटी ऑफ 2/3 इज नीडेड इन बोथ द हाउस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हाउस ने इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू किया और उसने मेजॉरिटी मिल गई उसको, लेकिन दूसरे जो हाउस था, मानिए कि लोकसभा में उसको मेजॉरिटी मिल गई लेकिन राज्यसभा में उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, वो फेल हो गया इम्पीचमेंट, तो प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हो सकता जब तक कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी
अप्रूव ना कर दे उस इम्पीचमेंट को। ये एक पॉइंट देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल्सो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। हमने पिछली बार देखा था कि जब इलेक्शन हो रहा था प्रेसिडेंट का तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब जब इसका इम्पीचमेंट होगा तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इवन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट किसी भी वजह से वैकेंट हो सकता है, चाहे वो रिज़ाइन कर दिया हो, चाहे उसकी डेथ हो गई हो, चाहे वो कहीं लॉन्ग टूर पर गया हो। तो ये सब रीजंस हैं जिसमें एक हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह। और जब भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेगा तो उसके अलावेंस जो पहले मिलते थे उसको वो मिलते रहेंगे, और राष्ट्रपति के जो मतलब अलावेंस हमारे होते हैं वो भी इसे मिलने लगेंगे। ये हमने देख लिया कि हाउ अ प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो पावर्स और फंक्शंस तो बहुत से हैं, लेकिन इसको हमने तीन पार्ट में अभी डिवाइड किया है जितना आपको जानने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड इज़ लेजिस्लेटिव पावर एंड थर्ड इज़ जुडिशियल पावर। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन इन हिज नेम, यानी कि सरकार के जो भी ऑफिशियल काम होते हैं वो अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट लिए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। हमारे प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट और जो भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हों चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों, उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एटसेट्रा। ये सब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं इन सब के हेड्स का अपॉइंटमेंट भी हमारा राष्ट्रपति करता है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो, या हमारा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, इन सब का अपॉइंटमेंट हमारा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति हिंदुस्तान के सबसे हाईएस्ट ऑफिस होल्डर हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस से कोई भी रिलेवेंट डाटा जो है मांग सकता है। तो वही कह रहा है कि ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरेटरीज़। ये भी हम जानते हैं, और आपको ये मुझे बताना है कमेंट करके हिंदुस्तान में आज के वक्त में कितने यूटीज़ मौजूद हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं इसको। नेक्स्ट पावर इज़ लेजिस्लेटिव पावर्स। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर्स को पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति हिंदुस्तान में कितने भी बार चुना जा सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि हिंदुस्तान में कोई भी राष्ट्रपति दो बार से ज़्यादा आज तक चुना नहीं गया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो ये है कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको ये मतलब ऑफ़र दिया गया कि आप तीसरी बार भी अपना नॉमिनेशन दें और हमें पूरा भरोसा है कि आप इस बार भी राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं अब की बार अपना नॉमिनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं औरों को भी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देना चाहता हूं। तो उसी परंपरा को बनाए रखने के लिए जो हमारे नए प्रेसिडेंट्स बने, भले ही उनका चांस रहा हो कि वो तीसरी बार इलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने जो हमारे राष्ट्रपति पहले थे उनकी परंपरा को बनाए रखेंगे और तीसरी बार अपना नॉमिनेशन नहीं देंगे। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो मैंने बस आप लोगों को बता दिए, उतना एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बेहतर होगा। तो चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे। पहला लेजिस्लेटिव पावर है कि ही कैन समन एंड प्रोरॉग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। यानी राष्ट्रपति हमारा जो है वो समन मतलब बुला सकता है एंड प्रोरॉग द पार्लियामेंट यानी स्थगित कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो एट एनी टाइम वो किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमारे पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है और प्रोरॉग भी कर सकता है। एंड ही इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पीछे हमने पढ़ा था कि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। कैसे? क्योंकि जो पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पीछे बताया था मैंने, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये वही पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज समन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये सवाल अक्सर कुछ एग्जाम्स से पूछता है कि हु समन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड द लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द
जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों ये भी आप लोग याद रख लीजिए कि हिंदुस्तान में आज तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हुई हैं। द फर्स्ट वन वॉज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, द सेकेंड वॉज बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, द थर्ड वॉज डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये 3 जो हमारे जॉइंट सिटिंग आज तक हुए हैं हिंदुस्तान में, इसके अलावा नहीं हुए हैं कभी, तो ये याद रखिएगा आप लोग। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही कैन एड्रेस पार्लियामेंट एट कमिशमेंट सेशन, यानी कि हम जानते हैं संविधान पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं और उन तीनों सत्र के शुरुआत का जो हमारा सेशन पहला होता है उन तीनों को प्रेसिडेंट हमारा एड्रेस कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एड्रेस करेगा ही करेगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि ज़रूरी है तो वो एड्रेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। देखिए यहाँ लोकसभा लिख गया है मगर यहाँ राज्यसभा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोग को नॉमिनेट करता है। और वो 12 लोग कौन होते हैं? अलग अलग फील्ड्स में माहिर लोग होते हैं। वो लिटरेचर में माहिर हो सकते हैं, वो आर्ट में माहिर हो सकते हैं, वो मेडिसिन में माहिर हो सकते हैं, या वो इंजीनियरिंग में माहिर हो सकते हैं। अलग अलग फील्ड्स डिसाइड की गई हैं ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में डायरेक्टली हो सके, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं हो पा रहा है तो वो अपनी मर्जी से 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट करता है एज अ नॉमिनीज ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड इन सम बिल्स लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। अगर सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसे निकालने हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होगा। और ये दूसरी बात कह रहा है कि अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज अगर करनी है तो उसमें भी राष्ट्रपति का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। हम ये भी बात जानते हैं कि जो स्टेट की बाउंड्रीज अल्टर का पावर होता है वो किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। और हमने कई एग्जांपल्स देख भी चुके हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का हमने विभाजन देखा। तो ये सब पावर्स किसके पास होते हैं? पार्लियामेंट के पास होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लागू करने से पहले राष्ट्रपति का एक सहमति ज़रूरी होती है। तो ये हमने लेजिस्लेटिव पावर्स देख ली एक हमारे राष्ट्रपति की। तो ये एक चीज़ है कि अगर मानिए कोई बिल जो है वो राष्ट्रपति तक भेजी जाती है लोकसभा और राज्यसभा से पास कर कर, तो राष्ट्रपति के क्या पावर्स होते हैं, वो उन बिल्स को कैसे डील कर सकता है, ये देखते हैं। ये पहला पॉइंट है कि व्हेन अ बिल इज़ सेंट टू प्रेसिडेंट फर्स्ट गिव हिज असेंट टू बिल, या वो अपनी सहमति दे दे उस बिल के ऊपर, विथ होल्ड द बिल उस बिल को रोक ले, या फिर रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाई पार्लियामेंट। मानिए एक बिल पहले राज्यसभा में लोकसभा में पास हुई फिर राज्यसभा में पास हो गई, और इन दोनों से पास होने के बाद वो पहुँचेगी कहाँ? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने चाहा तो उस बिल पर अपनी सहमति दे दे, वो बिल एक्ट बन जाएगा। वो दूसरा दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, वो उस बिल को विथहोल्ड कर सकता है, और जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम है उसको जिसमें वो विथहोल्ड कर सकता है वो 6 मंथ है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो उस बिल को रिटर्न कर सकता है कि आप इस बिल में कुछ अमेंडमेंट करें तो, लेकिन अगर दोबारा वो बिल पास हो गई बिना किसी अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट के साथ ही, तो उसको अपनी अप्रूवल देनी ही पड़ती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही कांट रिटर्न द मनी बिल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ अ बिल इज़ पास्ड अगेन, हमने बता दिया। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ये पावर भी राष्ट्रपति के पास होता है। और दोस्तों ये भी सवाल पूछता है कि मनी बिल क्या राज्यसभा में प्रेजेंट की जा सकती है? तो नहीं, मनी बिल राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं की जा सकती, वो सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट की जाती है। दूसरा सवाल पूछता है कि कैन राज्यसभा भी डिसॉल्व, तो नो, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स थे जो आपको अपने जहन में रखने हैं। तो आगे चलते हैं हम, हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स देख लिए, लेजिस्लेटिव पावर्स देख ली, अब हमें क्या देखना है? जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसका पहला पावर है कि ही कैन ग्रांट पार्डन, रिस्पाइट एंड रिमिसेशन ऑफ पनिशमेंट और इवन डेथ पनिशमेंट, कि राष्ट्रपति किसी की सज़ा जो है कम भी कर सकता है, उस सज़ा को बदल भी सकता है, और यहाँ तक कि किसी को अगर किसी केस में डेथ पनिशमेंट भी मिली हुई है तो उसके डेथ पनिशमेंट को कम कर कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी कर सकता है। यह जुडिशियल पावर होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। और कुछ और भी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, जैसे कि इमरजेंसी पावर्स। इसमें अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जो चीज़ें जाननी हैं वो अभी आप समझ लीजिए कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, कि वो हमारे जो डिफेंस फोर्स होते हैं उसका सुप्रीम लीडर होता है, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो नेवल फोर्सेज हो, चाहे वो
आर्म्ड फोर्सेज हों, इन तीनों को जो कमांडर हो, जो लीडर होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो नेशनल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में लिखी हुई है, तो वो आर्टिकल 352 में लिखी हुई है। प्रेसिडेंट्स रूल जो लगता है स्टेट में वो 356 और 365 में लिखा हुआ है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अप्लाई की जाती है वो आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है। दोस्तों हिंदुस्तान में अभी तक 360 नहीं लगा हुआ है कभी, और आपको ये भी मुझे कमेंट करके बताना है कि हिंदुस्तान में अभी किन किन तरीक़ों की इमरजेंसी लग चुकी है और कितनी बार लगी है। तो बस यहाँ तक था दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था। अगर कोई सजेशन आप लोग के पास हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। तब तक के लिए टेक केयर।